राजस्थान के बारा में पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 10/7/2024 से 31/7/2024 तक चलाई जा रही विशेष अभियान एंटीवायरस एवं श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक के दौरान आमजन के गुमशुदा मोबाइल को ट्रेस करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में ये जिम्मेदारी साइबर सेल जिला बारा को दी गई, जिसमें जिले के राजेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारा के निर्देशन में प्रभारी साइबर सेल की टीम गठित कर टीम ने करीब 28,03,000 रुपए की कीमत के गुमशुदा 177 मोबाइल बरामद किए, जिनको आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में गुम हुए मोबाइल के परिवादियों को पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी व राजेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हाथों से वितरित किया गया। बिल्कुल प्रयास थे, सभी का सहयोग था, विशेषकर हमारी साइबर टीम ने इसमें जो है वो सराहनीय प्रशंसनीय काम किया। BHQ हमारा जो पुलिस मुख्यालय है उसके द्वारा अभी 10 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान जिसको एंटीवायरस कहा जाता है वो चलाया गया, और इसी में हमारे IGP साहब कोटा ने इसी अभियान के तहत साइबर स्ट्राइक अभियान चलाया, तो इन्होंने सभी ने मिलकर विशेष प्रयास किया और उसमें लगभग 28,03,000 रुपये कीमत के 177 मोबाइल जो है वो UP दिल्ली हरियाणा मध्य प्रदेश बिहार और राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्राप्त किए, जो अपने उनके मालिक जो हैं उनको वापस आज लौटाए जा रहे हैं। हमारी इस टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश जी और साइबर टीम के ASI जगदीश जी हैं, उसके अलावा हमारे कांस्टेबल साइबर टीम में प्रकाश हैं, हरिप्रकाश है और मंदीप वगैरह ने विशेष प्रयास करके ये कार्य को अंजाम तक पहुँचे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।